नमस्कार, मैं हूं अरियम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजतरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी में हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आज सभी धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सभी धार्मिक मंदिरों में पूजा अर्चना की। भवानी मंडी के प्रसिद्ध बांडिया बाग बालाजी मंदिर, बालाजी चौराहा, मनशापुर बालाजी, बम्बोरी के बालाजी, सभी धार्मिक स्थानों पर हवन शांति का कार्यक्रम चला और वहीं भंडारे का आयोजन हुआ। गुरेडेजोगा के पास बम्बोरी के बालाजी में दो दिन से हवन शांति का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें गौरव माहेश्वरी द्वारा हवन शांति कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके बाद भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम शुरू होगा। आज हनुमान जयंती है, बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। बम्बोरी बालाजी एक सुप्रसिद्ध मंदिर अपने जिले का होने जा हो चुका है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी लेकर आते हैं या पूरी होती है। क्या कहेंगे पूरे बम्बोरी बालाजी के बारे में, कैसे इसका विस्तार आगे बढ़ा है? मैं तो इतना जानता नहीं हूँ। क्यों फिर भी आप सुनो, यहाँ के यहाँ से यहाँ इस जगह में कम से कम ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल से आता हूँ जी। 30-35 साल से क्या देखा 30-35 साल में या कैसे? सब कुछ आनंद है, इंडिया के कोई कमी नहीं है। अच्छा, कहीं और प्रभु का दर्शन होते हैं यहाँ। प्रभु के दर्शन होते हैं? हाँ, साक्षात साक्षात। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रामदास। आपका क्या नाम? लक्ष्मीनारायण। लक्ष्मीनारायण जी, कब से सेवा कर रहे हो? 4 साल हो गए। 4 साल में धीरे धीरे बम्बोरी बालाजी का विस्तार होता जा रहा है। क्या कहेंगे आप, लोगों की आस्था जुड़ती जा रही है पूरे शहर की। आते हैं लोग, कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं। अच्छा, आज हनुमान जयंती है तो काफी लोग आएंगे, भंडारा भी है। भंडारा भी है, अच्छा। हर मंगलवार जाग रहे हैं तो महाराज जो है कई वर्षों से पूजा कर रहे हैं और आज हनुमान जयंती का जो जन्मोत्सव है बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी धार्मिक स्थानों पर हनुमान जी के जहाँ दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचे हैं, भवानी मंडी के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ आज हजारों श्रद्धालुओं की तादाद है। ऐसे में बांडे बाग है, कालवा स्थान है, बालाजी चौराहे है, सभी जगह अनेक हवन शांति भंडारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में बम्बोरी के बालाजी जो कि सुप्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, चमत्कारी मंदिर है। हम बात करते हैं पुजारी जी से, हम जानते हैं कि किस तरह का योजना पर काम जो है शुरू हुआ और आज मंदिर का जो भव्य रूप देखने को नजर आया है। हनुमान जयंती के दिन 24 घंटे से हवन पाठ हो रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे भवानी मंडी के जो आसपास के सभी श्रद्धालु हनुमान जयंती पर यहाँ आते हैं जी, और यहाँ आकर के और सभी जो है हनुमान जी का पूजन करते हैं जी, और बड़ा विशाल भंडारा चलता है जी, हर साल ही लगता है यहाँ पे, और श्रद्धालु जो है आते हैं पूजा अर्चना करके, और भंडारे में बजरंगबली के जो पावन प्रसादी है उसको पावन करते हैं और अपना जीवन को धन्य मनाते हैं। आज जो हनुमान जयंती के पावन अवसर पर जो देर रात से जो हवन जोत का कार्यक्रम चल रहा है और किस तरह का भंडारा होगा और इसकी सूचना जो हम गांव में भी देते हैं तो कई दूर दूर से लोग भी आए दर्शन जी। हमारे यहाँ पर जो है भंडारे की जो सूचना है ये हमारे माता जी अंबिका माता के मंदिर पर जो है टेम्पलेट लगा दिया गया है, और भी एक दो जगह अन्य स्थानों पर भी टेम्पलेट लगा दिया गया है, और भक्त श्रद्धालुओं को भी सूचना दी गई है। और यहाँ भवानी मंडी के आसपास तो ठीक है, लेकिन बाहर से भी
श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी भी ये श्रद्धालु आ गए हैं और सबको जो है सूचना दी गई है और टेम्पलेट लगाई है। आस्था का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि जो भी अपनी मनोकामना पूरी लेके आता है वो पूरी होती है। यहाँ पर मेरे तो जीवन में मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं और वो भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य सिद्ध हुई है। करीबन कितने ही भाई लोगों ने तो मुझे कहा कि गुरु जी हमारे ये संकट था वो दूर हो गया, किसी ने कहा कि हमारे ये संकट था वो बजरंगबली की कृपा से दूर हुआ है। बहुत अच्छा चमत्कारी स्थान है और ये बमोरी बालाजी जो भी प्रार्थना करता है, जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से प्रार्थना करता है उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। देखा आपने बमोरी बालाजी के बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ के पुजारी जी ने दी। जिस तरह हनुमान जयंती के पावन अवसर पर पूरे देश में जगह जगह हनुमान जी के मंदिर पर अपार भीड़ श्रद्धालु की देखी जा रही है, ऐसे में बमोरी के बालाजी भी महेश्वरी परिवार की ओर से हवन शांति का कार्यक्रम हो रहा है जो कि गौरव महेश्वरी इनके नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरा महेश्वरी परिवार इस कार्यक्रम में लगा है और श्रद्धालु की श्रद्धा जो है वो श्रद्धालु में होती है, जिसकी वानगी जो है आज देखने को नजर आई है और जो भी मन में इच्छा लेकर पूरी जो भक्ति आता है उसकी मनोकामना जो है वो पूरी हनुमान जी करते हैं। मंगल भवना मंगलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। खबर 24 न्यूज ऐसी धार्मिक खबरें आपको दिखाता रहता है, बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। पिड़ावा में आज अखंड सनातन हिंदू समाज द्वारा हनुमान जयंती पूर्व पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के बाल द्वारी मंदिर से डीजे के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें भजनों पर श्रद्धालु नृत्य करते चल रहे थे। शोभा यात्रा में बनाई गई हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा नगर के माता चौकी, पिपली चौक, सुल्तानपुरा, सुभाष चौक, वीडियो चौराहा, नयापुरा, आजाद चौक, पुरानी कचहरी, शेर मोहल्ला होते हुए पुनः बालद्वारी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां बालाजी की आरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। पिड़ावा क्षेत्र के धाराखेड़ी गांव के समीप स्थित श्री इच्छापूर्ण खेड़ापति बालाजी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। डॉक्टर नारायण सिंह ने बताया कि इस दौरान 5 अप्रैल को मंदिर पर रामायण पाठ का आयोजन हुआ, वहीं 6 अप्रैल को यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद महाप्रसिद्धि का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंदांगी, प्रधान सीता कुमारी भील, कांग्रेस जिला महासचिव मानसिंह चौहान, पर महेश भावसार, पारस जैन, कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर धाराखेड़ी सहित आसपास के दानदाताओं ने मंदिर निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए राशि दान की। मंदसौर जिले के शामगढ़ में खेड़ापति हनुमान मंदिर पर एक भक्त की मन्नत पूरी होने पर लेते हुए मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। जमीन पर लेटते हुए मंदिर में पहुंचने पर सुरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि वह मंदसौर जिले के क्यामपुर के पास गाँव का रहने वाला है, उसके द्वारा मन्नत मांगी गई थी जो कि पूरी हो गई है। परिजनों के साथ मिलकर पहुंचा मंदिर में बालाजी के दर्शन किए। मंदसौर जिले के गांधी सागर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा हनुमान जयंती का पर्व। इस अवसर पर हनुमान मंदिर समिति के कार्य द्वार मंदसौर जिले के गांधी सागर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हनुमान जयंती का पर्व। इस अवसर पर हनुमान मंदिर समिति के द्वारा क्षेत्र में निकाली गई कलश यात्रा एवं भंडारे का आयोजन रखा गया। गांधी सागर के हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। राम भक्त हनुमान जयंती पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के में भक्त पहुंच रहे दर्शन लाभ लेने। विशेष साज सज्जा व फूलों से मंदिरों को सजाया गया। बल बुद्धि के दाता हनुमान की आरती का प्रसादी वितरित की गई। बालाजी हनुमान मंदिर से कलश यात्रा और भंडारे का आयोजन रखा गया है और श्री मोहन जी दाइमा के यहाँ से कलश यात्रा गणेश मंदिर आ रही है और गणेश मंदिर से हनुमान मंदिर जाएगी और वहाँ 1 बजे करीबन भंडारा है, इसीलिए सभी महानुभाव पधारे। आपकी जो समिति कब से आयोजन लगातार करवा रही है? ये अभी मैं तो 1 साल से हुआ
बाकी पहले काफी समय से चल रहा है यहाँ पे प्रतिवर्ष अनुसार होता है। हाँ हर साल जी आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिया जा रहा है। कलश यात्रा का आयोजन है और भंडारा भी किया जा रहा है और समिति ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम और अरेंजमेंट यहाँ पर किया हुआ है। और हमारे जो नव निर्मित जो भी जागरूक भाई बंद हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर बहुत अच्छे से आयोजन होते रहें जिससे हमारी जो जागरूक जनता है वो और जागरूक हो और प्रोग्राम इसी तरह से चलाती रहे। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो सनातन धर्म है इसको हम हमेशा बनाए रखें। आजकल क्या है जो नई पीढ़ी है वो हमारे सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हर व्यक्ति के हर नव निर्मित बच्चों के लिए यह एक आगामी पीढ़ी बने और बच्चों को इस सनातन धर्म के बारे में जानकारी हो। गांधी सागर के समस्त ग्रामवासियों द्वारा भंडारे का आयोजन रखा गया है और कलश यात्रा मोहन जी दाइमा के द्वारा कलश यात्रा और छत्र चढ़ाया जा रहा है। उसके इसमें विशाल भंडारा पूरे ग्रामवासी के सहयोग से हो रहा है। इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी काफ़ी उत्साहित हैं कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए तो इससे हमारे धर्म को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक की जाएगी? ये हमारे जो मोहन जी दाइमा उनके घर से होकर गणेश मंदिर पर आ रही है और गणेश मंदिर पर कलश भरकर फिर यहाँ से हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भवानी मंडी में बतेल सेकेंडरी स्कूल में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्कूल डायरेक्टर शीजा ने बताया कि कक्षा 7 से 10 तक के छात्र छात्राओं का ग्रुप बनाकर स्कूल ग्राउंड में खेल प्रतियोगिता में पैर बांधकर भागने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 8 का विद्यार्थी शुभ जैन प्रथम आया जिसे प्रिंसिपल द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। भवानी मंडी में जनसुनवाई में रसीद की मांग करके 25 PHED के 9 पंचायती राज विभाग के 5 विद्युत विभाग के 3 पशु चिकित्सक विभाग तथा अन्य विभागों के 6 इस प्रकार कुल 50 परियोजना प्राप्त हुई जिनका विस्तार हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को पाबंद किया गया। जनसुनवाई में प्रभुलाल वर्मा विकास अधिकारी पंचायत भवानी मंडी से, किशोर सिंह चिवित्रा अधिकारी, सत्यनारायण नरिया तहसीलदार, राजेंद्र बेरवा, मनोज AN वाटर शेड, डॉक्टर तरुणा एरा कुमार, अन्य सभी विभागों के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। भवानीमंड शहर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया गया, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष राजश्याम गुप्ता, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, पूर्व पार्षद बंसीलाल प्रतानिक, भाजपा नेता नरेश माधवानी, भाजपा नेता कालूराम मेहर, चांदमल वर्मा, कल्लू भाई अंसारी, मंडल अध्यक्ष सुनेश दीक्षित, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संजीता पांडे, जिला मंत्री इंद्रपाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, मंडल मंत्री श्वेता मेहरा, पार्षद सुगना गुज्जर, भाजपा नेता दुर्गा शंकर यादव, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ऋषभ ST, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रामेश्वर संगीला, पूर्व पार्षद बालमुकुंद मीणा, पार्षद महेंद्र परियार, राजकुमार गुप्ता, अमित चतुर्वेदी, प्रदीप माहेश्वरी, श्याम गिरी, अरुणा पोडवाल, विश्वास यादव, राजेश बसवाल, प्रदीप पोरवाल, मुकेश एवरांटमटी, मनोज जैन, जगदीश सोनी, मथुन आदि लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में बुधवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि TB एक ऐसा रोग है जो कि किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु उन्मूलन के लिए निरंतर कार्यरत रहना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से सभी स्तरों पर कार्य कर टीबी मुक्त झालावाड़ बनाने के लक्ष्य को अर्पित किया गया। आज की खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज। नमस्कार। मदर्स लैब ए प्ले स्कूल, द फ्यूचर बिगिंस हियर। एडमिशन ओपन। नर्सरी, LKG, HKG, benefit of our classes, small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff। 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर
20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422, 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भवानी मंडी राजस्थान। ऋषभ गैस सर्विस, 500 रुपए में सिलेंडर के लिए पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। आप ई मित्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए निम्न दस्तावेज होंगे, जनाधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक डायरी, उज्ज्वला गैस डायरी। उपरोक्त निर्देशों में राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश की। लाभार्थियों को स्वयं ही सब्सिडी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जो राज्य सरकार के DOT अधिकारियों द्वारा बनाया जाएगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का प्रमाण जैसे नगद राशि, कैश मेमो आवश्यक होगी। पता, ऋषभ गैस सर्विस, पंचायत समिति के सामने भवानी मंडी। सचिन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 8058766999। राजेश सोनी, 7568060310। नितेश राठौर, 8003950705। हमारा पता है पंचायत समिति भवानी मंडी, ऋषभ गैस एजेंसी।